हाय गाइस, वेलकम टू फंकीनेस विद भावना। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। बेसिकली जो भी क्वेश्चंस गर्ल्स बहुत ज़्यादा डरती हैं लड़कों से पूछने के लिए, वो मैं आज अपने हस्बैंड पौरुष शर्मा से पूछने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही स्पाइसी और फनी होने वाले हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस तो सिंपल ही होंगे, बट डिपेंड करता है कि पौरुष कैसे आंसर करता है उन सबको। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? नहीं, ये आंसर हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, इसलिए पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है पौरुष शर्मा और मैं एक पति हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आज सबसे पहले क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट इज़ द बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर गाइज? सबसे बड़ा टर्न ऑफ आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द लड़कों के लिए होता होगा कि जब कोई लड़की कोई बहुत अच्छी सी लग रही होती है, देखने में उसकी शक्ल वकल अच्छी होती है, लेकिन जैसे वो मुँह खोलती है तो एकदम से गोबर निकलता है बहुत सारा। आई थिंक वो एक टर्न ऑफ होता है। वैसे मैं किसी को शेम वेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे या कुछ भी। हर बंदा अपने अपने तरीके से बात कर सकता है, लेकिन आप जैसे हो वैसे ही रहो, कुछ और से कुछ और बनने की कोशिश मत करो। जब आप ऐसा करते हो तो फिर वो टर्न ऑफ हो जाता है सामने वाले के लिए। वाई डू गाइज गोस्ट आउट फॉर नो रीजन? मतलब गाइज एकदम से एक रिलेशनशिप में घुसने वाले होते हैं या एक लड़की को लाइक करते हैं, वो एकदम से गायब क्यों हो जाते हैं? नहीं, ये आप ना गलत इंसान से सवाल पूछ रहे हो। शादीशुदा लोगों से ऐसी बातें नहीं पूछी जाती हैं। शादीशुदा लोग जो हैं वो घुस चुके हैं, वो देर वो घुस गए अंदर पूरे। वो स्टाउट और स्प्राउट कुछ नहीं हो सकते, वो हैं बस। नहीं, लेकिन कभी तो डेट किया होगा ना, और कुछ लड़कों के अकॉर्डिंग आपको बताना है कॉमन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि लड़के गायब क्यों हो जाते हैं। लड़के गायब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई और, शायद कई लोगों का ऐसा होता है कि कुछ और लड़की बेटर मिल गई, और कई लड़कों का ये होता है कि वो एकदम से कमिटमेंट फोबिया हो जाता है उनको कि यार एकदम से मुझे तो कमिटमेंट नहीं करना। सब लोगों के एक्चुअली अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन हाँ होते हैं काफ़ी सारे लड़के एकदम से गायब हो जाते हैं। मतलब मैंने और लड़के के मुँह से सुना है कि कोई लड़का बात कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने वाला है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एकदम से गायब हो गया, वैनिश। ये आपने लड़कियों से सुना है लड़कों से सुना है? ये मैंने लड़कियों से सुना है, बहुत सारी। मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त रही हैं। That's me. Are you grossed out by periods? No, not at all. तो कब आपको किस एज में पता चला था about periods and what did you think about periods at that time? I think वही जो usual age होती है 13, 14 या 15 के आसपास, जब स्कूल में होते हैं, जब गर्ल्स जा रही होती हैं, बीच में ब्रेक्स लेती हैं और फिर लड़कों के बीच में खुसर बुसर होने लग जाती है कि अच्छा वो जा रही है, वो इतनी बार गई है, वो अब से इतनी बार गई है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो कुछ जो अवेयर लड़के होते हैं, जो जिनको थोड़ा ज़्यादा ही पता होता है, जिनके पेरेंट्स पूरे दिन में घर नहीं रहते और वो कुछ ज़्यादा ही अवेयरनेस क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, वो लोग सबको ज्ञान दे देते हैं कि यार ये इसलिए जा रही है ये बंदी। तो विस्पर की ऐड देख के आपको पता होता था कि ये पैड्स की ऐड है? हाँ, ऑफकोर्स। या आपको लगता था कि उसमें तो बोलते हैं ना, ये विस्पर तो पैड की ऐड है तो बोलते ही हैं उसमें, और क्या आपको नहीं पता था कि पैड की ऐड है? आपको कहीं ये लगता था कि विस्पर ये हेलो ऐसे करके बात करना है, ये वाली विस्पर? एक्चुअली हाँ, उस टाइम पे मुझे तो कंफ्यूजन थी खुद एज अ गर्ल होते हुए, क्योंकि तब ना एक्चुअली हमारे पेरेंट्स बात नहीं करते थे। इज इट वियर्ड इफ अ गर्ल मेक्स द फर्स्ट मूव? नो, नॉट एट ऑल। आई वाज ऑलवेज वांटेड गर्ल्स टू मेक द फर्स्ट मूव। मतलब इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू गाइज लाइक इफ अ गर्ल मेक्स एक्चुअली ना, कई ज़्यादातर जो लड़के होते हैं जजमेंटल हो जाते हैं। ये मैं गलत नहीं बोलूँगा, जजमेंटल हो जाते हैं लड़के, लेकिन मतलब अब यार ठीक है 21st सेंचुरी, ज़माना आगे बढ़ रहा है, 2020 कोरोना वायरस और चीज़ों ने इवॉल्व कर दिया हमारे को। तो आई थिंक ये सब चीज़ें भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए लड़कों को कि यार ठीक है लड़की ये पहली मूव ले रही है, लेने दो। हाउ डू यू फील अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? No comments. नहीं, you can't leave it at no comments. मेरा ये कहना है कि no comments. No comments नहीं, आप बताइए बोर क्यों कर रहे हैं यार? अच्छा, मैं कैसा फील करता हूँ, मतलब ये this is like मैं कैसा फील करता हूँ बता रहा हूँ। मैं ऐसा फील नहीं करता हूँ एक्चुअली, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं ऐसा फील करता हूँ। मुझे लगता है कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे लगता है कि कुछ रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो मतलब उसमें कुछ लोग खुश नहीं होते हैं, और दैट रिजल्ट्स इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्हाटएवर। मुझे लगता है कि रूट कॉज पे हमारे को ज्यादा बात करनी चाहिए, जस्ट टॉक अबाउट उसका किसी से अफेयर चल गया, उसका किस वजह से किसी के पास वो सामने वाला आदमी है, वाह उसके बारे में बात करनी चाहिए। दैट वाज अ प्रीटी डिप्लोमेटिक आंसर। मेरा मतलब था कि क्या लड़के आपस में डिस्कस करते हैं कि यार बीवी भी आ गई उसके बाद भी लड़की घुमाएंगे और ऐसी वाली बातें? मेरा तो एक दो दोस्त हैं, और मतलब जो मेरे वैसे मैरिड दोस्त हैं वो तो बहुत लॉयल है अपनी मैरिज में, जस्ट लाइक मी, और मैं उनका मतलब आइडियल हूँ एक्चुअली। और जो मेरे अनमैरिड फ्रेंड्स हैं वो इस तरीके की बातें कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको अभी पता ही नहीं है। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो उस टाइप के जोन में कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए है, जो ना खाए अभी वो ना खाए वाले स्टेज में है, उनको खाने का शौक चढ़ रहा है, हम खा चुके हैं तो हाँ। डू गाइज स्टॉक गर्ल्स, लड़के क्या लड़कियों की प्रोफाइल्स और इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स वगैरह चेकआउट करते हैं और उनको स्टॉक करते हैं छुप छुपा के? नहीं, छुप छुपा के क्यों करते हैं, खुले में करते हैं और क्या, वो तो लड़के तो करते हैं और लड़के क्या लड़कियां दो सब लोग स्टॉक करते हैं। आई थिंक सब लोगों सोशल मीडिया का होल एंड सोल आधार ही यही है कि तुम्हारे लिए एक स्टॉकिंग का अड्डा बना हुआ है, लड़कियां लड़कों को स्टॉक कर रही हैं, लड़के लड़कियों को स्टॉक कर रहे हैं, मम्मियाँ बच्चों को स्टॉक कर रही हैं, बच्चे किसी और को स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है, वो उस पर सोशल मीडिया चल रहा है। यार एक गाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपको, मम्मियाँ उसको स्टॉक कर रही हैं और वो सब नहीं बताना है आपको, गाय पर्सपेक्टिव से स्पाइसी क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपको। ये देखिए ये होता है मैरिड लोगों की लाइफ में, इसीलिए होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। कैसे बनेगी ये स्पाइसी वीडियो अगर ये डिप्लोमेटिक्स आंसर मिलते रहे मुझे कि लड़के स्टॉक करते हैं। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ लड़के स्टॉक करते हैं क्योंकि पहले हमारी स्टोरी लव स्टोरी ऐसी शुरू हुई है कि 5 साल 4 साल से हाई भेजा जा रहा था मुझे फेसबुक पे, तो स्टॉकिंग ही हो रही थी। मैं बता देता हूँ पूरी कहानी, मैं यहाँ पर बयां कर ही देता हूँ। कहानी नहीं पूरी कहानी मैं करता हूँ किसी और दिन। जब भी मेरा ब्रेकअप होता था ना तो मैं कुछ लड़कियों को हेलो हाय भेजता था क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम मतलब गम में होते हो तो तुम ऐसा कर देते हो ना, तो मतलब ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। तो एक बार इनका भी नंबर लग गया, 1-2 बार, तीसरी बार मैंने रिप्लाई कर दिया तो फिर हो गई बात इनसे और क्या। लेकिन मिलने के लिए पहले कौन ज़्यादा उत्सुक था ये बात भी आप बता दो। ये तो वो किसी और दिन बताएंगे। सच प्यार हो गया था ये भी बता दो। ये सच्चाइयाँ किसी और दिन बताएंगे। डू गाइज डिस्कस अबाउट देयर मेकआउट स्टोरीज विद गाय फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स वी डू। कितनी डिटेल में डिस्कस करते हैं? ये डिपेंड करता है कि कैसी फ्रेंडशिप है। अगर ज़्यादा अच्छी गहरी फ्रेंडशिप है तो होती हैं बातें, और ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा उस लड़की के साथ कैसा रिलेशनशिप है। अगर बहुत सीरियस रिलेशनशिप है तो नहीं करते हैं ज़्यादातर, और अगर कैजुअल है तो फिर सारी डिटेल बता देते हैं लोग। मैंने Why do guys want a sexy girlfriend in their school time and a very timid, shy, घरेलू type when they have to get married? हाँ यार ये एक्चुअली ना बड़ा अजीब सा फंडा है इसके पीछे, ये मुझे भी कभी समझ नहीं आया। लेकिन मुझे मेरे साथ अब मेरा अगर एंगल जानोगे तो मुझे कभी भी ऐसा कुछ था ही नहीं। आई ऑलवेज और वांटेड भी नहीं था, मेरा टिमिड और सेक्सी वाला कोई कंपैरिजन था ही नहीं। मेरा तो ये था कि सिंपल होना चाहिए, मतलब जो बंदी अपने औकात में हो, सिंपल सी बात है, उस बंदी को पटा लेना है। टारगेट सेट, जो बंदी अपने औकात में हो उसको सीधा जाके पटा लेना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना क्योंकि मैं शुरू से बहुत आलसी था। बेसिकली जो अपनी लीग में हो, औकात में मतलब जो अपनी लीग में आ सके, जो अपनी वाइब शेयर कर सके sort of। नहीं एक्चुअली जो औकात में हो। नहीं। हाउ ऑफन डू यू क्राई? यार अगर रोने की कोई बात है तो ऑब्वियसली रोना आता ही है ना। जैसे अभी दो चार दिन पहले हमें अपना पपी रिटर्न करना पड़ा तो मेरे साथ वो वाली चीज़ दूसरी-तीसरी बार सेम चीज़ हो रही थी कि मेरे को डॉग इस तरीके से रिटर्न करना पड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली मतलब सिचुएशन पे रोना आते ही। अब तो मतलब क्या रोबोट थोड़ी ना हो तुम, अपने आप को रोक के क्या साबित कर लोगे, किसको साबित कर लोगे, मतलब क्या कर लोगे? अच्छा रोगे नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाओगे, लोगों के ऊपर हल्ला मचाओगे, उससे बेटर है 5 मिनट के लिए रो लेना, क्या दिक्कत है? डू यू गेट पोजेसिव अबाउट योर गर्ल टॉकिंग टू अदर गाइज? नो, नॉट Ever, never, ever. ये तो कभी मौका ही नहीं मिला ना देखने का, तभी नहीं। ऐसा नहीं है, अगर मैं रात को एक लड़की का फोन आएगा तो you won't feel possessive. Who are you talking to and all? नहीं, इतना बड़ा झूठ है ना ये। Do guys care about having like girls having hairy legs and hairy arms? Guys do care obviously, of course, but मतलब मुझे as such कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। लेकिन हाँ लड़कों को इसलिए फर्क, और ये लड़कियों को भी पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ लड़कों को पड़ता है। लड़के सोच रहे हैं अच्छा वो तो भालू बन के आ गए, लड़कियों को भी होता है कि अच्छा लड़का क्लीन शेवन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे ना लड़कों का तुम जनरलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। वुड यू टेक अ गर्ल बैक इफ शी चीटेड? Never ever in my life. Actually, it depends how serious is the relationship. If it's very serious, if I actually love her, then definitely. And if I like, it was a very casual relationship, तो मेरे को एक बहाना मिल गया. Thank you. If you saw your ex somewhere and you were with your girlfriend or wife, what would be your reaction? ये मेरे साथ हो चुका है एक बार. मेरी एक girlfriend के साथ मैं एक mall के अंदर घुस रहा था और हम जा रहे थे चल के, और मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड अपनी फैमिली के साथ गाड़ी से उतर रही थी और सब कुछ रुक गया वहीं पर ही, सब कुछ वहीं रुक गया। और ऐसा लगा कि मेरे पैर और उठाए नहीं जा रहे, मेरे सच में मेरे पैर भारी हो गए। वो एक बार ऐसी है जब मेरे पैर सच में मुझे भारी फील हुए थे, वो उसी दिन पे मुझे अभी तक याद है कैसी फीलिंग थी। वो हुआ है मेरे साथ ये। तो आप बात करोगे अपनी एक्स से, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हुए? अगर नहीं, मतलब मेरी एक्स ने मुझसे बात ही नहीं करी एक्चुअली। मेरी एक्स जो थी ना वो उसने मेरी बेइज्जती ही मार दी, उसने मुझसे बात ही नहीं करी। इनफैक्ट जो मेरी उस टाइम पे गर्लफ्रेंड थी उसने कहा कि ये वही है ना, ये वही है। मैंने कहा हाँ चुप हो जा, उसको नहीं मेरे से बात करनी, मैं जानता हूँ। तो अगर वो बात करना चाहती होती तो मैं ऑब्वियसली करता। मतलब अब अगर मुझे आपके साथ में घूम रहा हूँ कोई एक्स मिली तो ऑब्वियसली वो वाली, तो फिर ज़रूर बात करेंगे ना। वो तो मैं भी बात कर लूँगी। अगर वो एक्स ये वीडियो देख रही है तो उसको पता है कि वो कौन है। आई थिंक वो किसी दिन तो हो सकता है देख ले, जब ज़्यादा शेयर कर देंगे उसके साथ ये वीडियो। डू यू थिंक्स शादी के बाद सैलरी, अपनी सैलरी आप अपनी मतलब लड़कों को अपनी माँ के हाथों में देनी चाहिए या अपनी बीवी के? मुझे लगता है अपने हाथ में रखनी चाहिए। मैं हाँ ये तो ये सबसे, अपना पैसा अपने हाथ में रखो। तुमने ही अपनी हड्डियाँ पेलियों से पैसे कमाने में, तो अच्छा है तुम उसको अपने हाथ में रखो और तुम अपने समझदार, क्योंकि जब मेहनत करियो ना, जब घिसाई करियो ना, तो समझ आता है कि उसको किस तरीके से उसको खर्च भी करना है। किसी और के हाथ में दोगे तो बहुत पछताओगे। बॉडी शेप एंड साइज मैटर लाइक अ गर्ल्स? नहीं, साइज और शेप नहीं मैटर करती। आई थिंक आज की डेट में ये सब चीज़ें पुरानी, कब बैठे थे आप सवाल बनाने? ये सब ये 90s में लिखे थे क्या क्वेश्चंस? ये आजकल पर्सनैलिटी का ज़माना है भाई, लोग पर्सनैलिटी पे बिल्ड हो रहे हैं। छोटी हाइट के लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बड़े बड़े हाइट के लोग भी लूजर हो रहे हैं। डू यू लाइक मिस्टीरियस गर्ल्स या स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल्स? आई लाइक यू। नहीं तो ऑफ कैमरा पिट जाएंगे। शादीशुदा लोगों से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, किसी और को लेकर आते हैं। शादीशुदा ही थोड़ी हो, कभी तो थे जवान। यही रीजन है कि शादीशुदा लोग ये आंसर नहीं कर सकते। ऐसी बातें मारते हो आप मुझे। सही जवाब दोगे तो नहीं पिटोगे। क्या मिस्टीरियस गर्ल्स और कौन सी? स्ट्रेट फॉरवर्ड पसंद है या मिस्टीरियस जो चुपचाप रहती हैं और अंदर छुपा के रखती हैं? नहीं नहीं, मुझे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पसंद है बहुत ज्यादा। बिल्कुल आपकी। अच्छा, व्हाट डू गाइस टॉक अबाउट When they are together, like क्या होता है डिस्कशन ऑफ टॉपिक? क्या होता है गर्ल्स के बारे में होता है? आधे टाइम पे ये बातें हो रही होती हैं। अभी मैं बताता हूँ क्या बातें होती है। आधे टाइम पे ये बात हो रही होती है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा ठीक है या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ठीक है, जो स्टबल बर्निंग है उसको कैसे करना है, उसको कैसे, उसका इलाज क्या करना चाहिए, झाड़ू पोछे का, ये मैं क्योंकि मारता हूँ झाड़ू पोछा घर में, तो क्या सोल्यूशन होने चाहिए उसके, और काम में कौन, मतलब क्या किस तरीके से काम है। अब ये सब बातें होती है, लेकिन पहले ये बातें नहीं होती थी। पहले नहीं होती थी ये सब बातें। दो ढाई साल पहले तक ये बातें होती थी कि कहाँ घूमने जाना है, कौन से ट्रैक पे जाना है, कौन सा एक्सपीडिशन, कौन सा एडवेंचर करके आना है। लेकिन मेरे पापा के जो बुड्ढे दोस्त है ना वो इससे बेटर डिस्कशन करते होंगे। डू गाइज फील पोजेसिव इफ अदर गाइज फाइंड देयर पार्टनर और गर्ल अट्रैक्टिव? नहीं, अगर कोई अट्रैक्टिव है किसी का पार्टनर तो फिर वो सबको अट्रैक्टिव लगेगा ना। ये तो मतलब यूनिवर्सली अट्रैक्टिव हुआ ना, फिर मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें ही लग रहा है और किसी को तो लग ही नहीं सकता। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि अगर आपकी लड़की जो आपके साथ है, आपकी लड़की मतलब मेरी बेटी नहीं, आपकी बेटी नहीं, आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड या जिसको आप लाइक करते हैं। आपकी लड़की, चुप हो जाइए और सुन लीजिए। जल्दी बताओ ना, आप बहुत धीरे बोल रहे हो ना। एक तो बोलना ही नहीं दे रहे ना, तो एक सेकंड, सॉरी चिल्लाने के लिए लेकिन दिस इज द ट्रेलर ऑफ व्हाट हैपेंस विद मी इनसाइड अ हाउस। क्या होता है मेरे साथ? क्या जब एक लड़की होती है आपके साथ जिसके ऊपर आपका क्रश है, जो भी है, तो दूसरे गाइज अगर उसको अट्रैक्टिव फाइंड करेंगे और मुंह पे बोलेंगे, डू फील पोजेसिव अबाउट इट? अगर वो बोलेंगे कि अट्रैक्टिव है तो कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन कोई अगर गंदी बात करेगा तो फिर आई थिंक रोकते हैं लड़के। पीट दोगे? नहीं, पीटूंगा तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे गंदी बातें तो यार किसी के बारे में नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली अगर कोई किसी के क्रश के बारे में करता है तो आई थिंक कोई भी रोकता है किसी को। मैं भी रोकता था और कोई भी और भी। वुड यू माइंड अ गर्ल टेलिंग यू बिफोर मैरिज कि वो विद इन लॉज नहीं रहना चाहती? बी ओके विद बिफोर मैरिज अगर कोई कहता है तो परफेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग जो आफ्टर मैरिज ऐसी बातें करने लग जाते हैं वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल होता है, क्योंकि आप पहले से सिचुएशन को जान रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो कि ये लोग हैं, यहाँ पर मुझे जाना है। या फिर अगर आप नहीं भी जानते तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि एक फैमिली के अंदर एडजस्ट करना व्हाट इट टेक्स, और आप घुसने के बाद अगर ये सब बातें करते हो तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, दैट इज़ नॉट एथिकल, और घुसने से पहले अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे नहीं रहना और फिर नई बात बनती दो लोगों की, तो दैट इज फाइन। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट डाउन करके जरूर बताना इफ यू वांट अस टू डू मोर सच वीडियोस। सो हम ऐसे स्पाइसी क्वेश्चंस वाली और वीडियोस लेके आएंगे। यस यस यस, गुड बाय एंड सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए बोल दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो देखने मजा आया हो, तो मैं जानता हूँ मजा आया होगा क्योंकि मेरी यहाँ पर काफी खिंचाई करी गई है। तो नीचे 3 बटन है, लाइक का बटन है, सब्सक्राइब बटन है, शेयर का भी बटन है, शेयर भी कर सकते हो और सारे के सारे फ्री हैं। मस्ती में जो भी करना है करो, बस कर डालो आज तुम।